नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड़िया जी ब्लॉग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे गांव राउतसर में लगा हुआ है मेला, तो हम जा रहे हैं बाबा का मेला देखने। वहां पे खेत्रपाल जी बाबा का मंदिर है और रामदेव जी बाबा का मंदिर है, वहां पे मेला लगा हुआ है। ये हर वर्ष लगता है, एक वर्ष में एक बार ही लगता है, हर साल लगता है। और ये माघ सुधी शुक्ल पक्ष को लगता है, तो ये 15 दिन करीब चलेगा मेला। तो आज क्या तिथि है? आज पंचमी है, तो पंचमी को हम जा रहे हैं राउसर और वहाँ पे मेला वगैरह देख के आएंगे, तो एंजॉय भी करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहना, आपको भी मैं पूरा जो मेला है आज वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स अभी हम रास्ते में हैं, ऑन द वे हैं, और हमारे गांव से बाबा खेत्रपाल का मंदिर 10 किलोमीटर है और राउतसर यहाँ से 8 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर आगे पड़ता है मंदिर। तो बाबा खेत्रपाल का बड़ा ही बहुत बड़ा कृपा रहती है राउतसर के ऊपर, और ये एक प्रकार से रक्षक भी है राउतसर के। तो इनकी एक हिस्ट्री भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है बाबा खेत्रपाल की। अगर आप देखना चाहो तो हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से उस बाबा की हिस्ट्री है वो देख सकते हैं कि एक राउतसर के राजा थे, वो बाबा को लेके आए थे बिया बांध के जंगलों से, कैसे लेके आए थे उनके, कैसे यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई, फिर वो पूरी डिटेल उसके अंदर है दोस्तों। और आज है दोस्तों बसंत पंचमी, और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हम आज जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल होता है टाइम मिलना, तो बड़ा ही बिजी शेड्यूल है मेरा, उस टाइम में से टाइम निकाल के आज जा रहे हैं। और अभी क्या है कि 4 बज चुके हैं, तो हम दोपहर बाद ही मुझे टाइम मिला है जाने का, तो अभी 4 बजे का करीब करीब टाइम है और हम चल पड़े हैं। तो 20 से 25 मिनट का रास्ता है खुली, और 20-25 मिनट बाद में हम पहुंच जाएंगे राउसर, और उसके बाद में मैं आगे का आपको दिखाऊंगा व्यू। तो दो जगह मेला लगता है, लेकिन खेत्रपाल जी मामा के यहाँ थोड़ा कम लगता है, और बाबा रामदेव मंदिर है उसके बगल में काफ़ी बड़ा मेला लगता है, झूले वगैरह भी आते हैं, मौत कुआ रेसिंग वगैरह सभी चीज़ें होती है वहाँ पे, तो वो पूरा एंजॉय करेंगे और पूरा व्यू मैं आपको दिखाऊंगा मेले का। तो आप वीडियो में बने रहना, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमें थोड़ा बहुत आपका सपोर्ट मिलता रहे, प्यार मिलता रहे। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं रावतसर, तो ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये रावतसर का मार्केट है और ये किशनगढ़ मेगा हाईवे है जयपुर टू हनुमानगढ़। तो अभी बस थोड़ी सी दूरी पे है, यहां से 2 किलोमीटर है बाबा का मंदिर, तो हम 5-7 मिनट में पहुँच जाएंगे। और ये जो आप रोड अभी देख रहे हैं ये रावतसर की रोड है, और अभी हम पहुँचने वाले हैं बस स्टैंड के पास, वहाँ से 5 मिनट का रास्ता रहेगा आगे। तो ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है दिन के अंदर। ये आ गया दोस्तों बाबा का मंदिर, बाबा खेत्रपाल जी का मंदिर आ गया, और ये है मंदिर का मेन गेट, मेन द्वार है ये मंदिर का, यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं अंदर। ये देखिए सामने जो आपको दिख रहा है ये मंदिर है बाबा का, यहाँ पर हम गाड़ी पार्क करेंगे और फिर मैं पूरा व्यू दिखाऊंगा। अभी क्या है कि आज 5वां दिन है मेले को, तो अभी भीड़ भाड़ कम है। तो दोस्तों फाइनल हम बाबा के मंदिर में पहुँच गए हैं राउतसर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे दुकानें लगी हुई है और आगे मेरे यहाँ पर मंदिर है, तो यहाँ पर से हम प्रसाद वगैरह परचेज करेंगे और गजा नारियल प्रसाद लेंगे और फिर जाएंगे बाबा के यहाँ मथा टेकने, तो वहाँ पर धूप लगाएंगे। एक ही जगह देना, ठीक है।
अभी हम फेरी लगा रहे हैं मंदिर के आगे, ये है दोस्तों सात मावड़िया जी का मंदिर। और यहाँ पर बैसाथ में भैरू जी के भी मंदिर हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग मंदिर हैं यहाँ पर। देखिए आप यहाँ पर अलग अलग मंदिर देख सकते हैं, सभी पे नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अलग अलग भैरू जी के नाम से यहाँ पर ये मंदिर बनाए गए हैं छोटे छोटे, और सात मावड़िया जी का यहाँ पर मंदिर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये अलग अलग मंदिर जो आप देख रहे हैं इनमें से सात मावड़िया जी का मंदिर है और भैरू जी महाराज के अलग अलग नाम से। देखिए तोलिया सर जी, कोडम देसर सर जी, सभी मतलब अलग अलग मंदिर है भैरू जी के। तो ये भैरू जी के ही रूप है। और अभी जो ये आप देख रहे हैं ये सात मावड़िया जी का है, और यहाँ पर मौला सिंह जी, और मतलब अलग अलग भैरू जी के रूप हैं यहाँ पर। तो बाबा खेत्रपाल मंदिर से दोस्तों निकल रहे हैं अभी, और अभी हम जाएंगे रामदेव बाबा के मंदिर, और वहाँ पर लगा हुआ है बड़ा ही भारी और तगड़ा मेला लगता है वहाँ पर। तो वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। तो यहाँ से हम फ्री हो चुके हैं, यहाँ पे हमने धूप लगा दी क्योंकि आज बहुत कम भीड़ थी, क्योंकि आज पंचमी है तो पंचमी की उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, और ये लगभग दो तीन दिन बाद में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। और वैसे भी शाम के टाइम में थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर पूर्णिमा या चौदस को आना चाहे तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग जाती है, मतलब कम से कम 7-8 घंटे से आपकी जो यहाँ पर धोख है वो लगेगी। इधर से चलते हैं ना, इधर से मंदिर के बैक साइड से ले लेते हैं, शॉर्टकट जाएंगे, लेकिन वहाँ पर गाड़ी पार्क करने वाली समस्या नहीं हो जाएगी क्या, देखिए। तो ये था दोस्तों बाबा जी, बाबा खेत्रपाल जी का मंदिर, और यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम आगे बाबा रामदेव मंदिर मेले के अंदर, तो अभी आगे जो पूरा व्यू देखेंगे वो आप मेले का देखेंगे, बहुत ही कमाल का व्यू होने वाला है। तो यहाँ से आप वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जा रहे हैं इस गली के अंदर से, और आगे चल के मैं आपको पूरा व्यू यहाँ पे दिखाने वाला हूँ बाबा रामदेव मंदिर के आसपास जो मेला लगा हुआ है, बहुत ही तगड़ा मेला लगता है हर वर्ष। ये है दोस्तों बाबा रामदेव जी का मंदिर, जो कि अभी निर्माण दिन है, पहले बहुत सही फिट था, लेकिन अभी ये जो है मूर्ति के स्थान है वो आगे ले आए हैं, इनका गर्भगृह है जो मंदिर का, और पूरा मंदिर पीछे से कंस्ट्रक्शन में है, अभी एक साल से इस पर काम चल रहा है। तो अभी ये थोड़ा सा अस्त व्यस्त है मंदिर। तो ये देखिए हमने यहाँ पर दो कैब लगा दी है और मंदिर से बाहर आ गए हैं, अब हम मेले का लेंगे यहाँ पर आनंद और घूमेंगे मेले के ग्राउंड में। और दोस्तों अभी हम आ गए हैं ये जहाँ पर मेला लगा है उस ग्राउंड के अंदर, जहाँ पर सर्कस झूले और ये मोतकुआ और रेलगाड़ी का गेम, यहाँ पर मतलब बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बड़े वाला झूला है वो चल रहा है, इधर ये भी एक झूला है जो कि राउंड में घूमता है, और ये देखिए बच्चों के लिए छोटी गाड़ी है जो कि गोल गोल घूमती है। ये देखिए अलग अलग तरह की बच्चों के लिए बहुत सारे झूले यहाँ पर आज आए हुए हैं। अब की बार देखिए बहुत सारे छोटे शिप भी हैं, बड़े शिप भी हैं, और छोटी गाड़ियाँ भी हैं, आप देख सकते हैं उधर मछलियाँ हैं अलग अलग तरीके की, और उधर कश्तियाँ भी बनी हुई हैं। और ये देखिए बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर बनाया गया हवा वाला, और ये नीचे जो अभी आप देख रहे हैं ये पूरे तैयार नहीं हुए, कुछ झूले इसमें से अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, सामने ये ग्राउंड तैयार हो रहा है झूले का। और यहाँ पर ये बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाया गया है, तो इनकी टिकट काफ़ी है, 50 रुपये है इसकी टिकट जो बच्चे अभी खेल रहे हैं एक बच्चे के लिए। और ये देखिए ये यहाँ पर एक शिप वाला चल रहा है झूला, ये देख सकते हैं आप। तो ये एक कश्ती से, कश्ती जो होती है पानी में चलने वाली, उस तरीके से बनाया गया, ड्रैगन का इसके ऊपर निशान है, और वो एक वो बड़े वाला झूला है वो भी चलता है, लेकिन अभी क्या है भीड़ कम है तो ये थोड़े थोड़े चल रहे हैं, कोई चल रहा है कोई बंद पड़ा है। तो बहुत ही प्यारा नज़ारा है दोस्तों। और सामने जो अभी आप देख रहे हैं ये है ट्रेन दोस्तों, ड्रैगन सुपर ट्रेन है ये, तो इसमें हम भी झूलेंगे, लेकिन ये देखिए आप इसका नज़ारा, तो अलग अलग तरीके के झूले हैं ये, इधर देखो ये अलग तरीके का झूला यहाँ पर चल रहा है, मतलब बहुत सारे झूले हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सर्कस और जादूगर वगैरह भी है देखने के लिए, जादू भी यहाँ पर दिखाने के लिए वो भी लगता है,
एक जो कुएं के अंदर गाड़ियां और बाइक चलती है वो उसको मौत कुआ बोलते हैं, वो भी है। अब ये देखिए बच्चों के लिए अलग अलग बहुत सारे झूले लगे हुए हैं ऐसे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर एक बार आप आइए और देखिए यहाँ का नज़ारा, बहुत ही शानदार मेला है और बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है, मतलब 15 दिन चलने वाला मेला है ये और काफ़ी बड़ा मेला लगता है यहाँ पर। ये देखिए बच्चों के लिए बहुत ही चीज़ें हैं यहाँ पर खेलने के लिए, बहुत सारे झूले लगे हुए हैं अलग अलग, ये देख सकते हैं हम, बच्चों के बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बच्चों के हैं यहाँ पर। ये है दोस्तों वो ट्रेन जो हम दूर से देख रहे थे, ड्रैगन ट्रेन सुपर। तो इस ट्रेन में हम बैठेंगे और इस ट्रेन का नज़ारा देखेंगे कैसा नज़ारा है। तो इस ट्रेन की टिकट है वो 50 रुपये है पर सवारी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रेन चल रही है, ये ड्रैगन है, ड्रैगन ट्रेन है ये। तो दोस्तों हम इसके अंदर बैठ चुके हैं और क्या कमाल का नज़ारा है, बहुत ही शानदार नज़ारा है और ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच से ट्रेन के अंदर चढ़ गए हैं, वैसी ही आवाज़ आ रही है और कमाल का झटका लगता है जब ये मुड़ता है ना अचानक से इस तरीके से, तो इसके अंदर कमाल का एक झटका सा लगता है ऐसे के जैसे नीचे गिरेंगे। तो खूब एंजॉय कर रहे हैं, देखिए दोस्तों क्या कमाल का लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त झूला है ये प्रकार का, ऐसे लगता है जैसे हम ट्रेन के अंदर बैठ गए, मतलब एक बार ऐसे दृश्य लगता है जैसे नीचे गिरेंगे जब ये मुड़ता है अचानक से। ये देखो दोस्तों ये झूला, ऐसे मेरे को तो इसको देख के डर लग रहा है, हम इसमें नहीं बैठे, तो इसमें चढ़ने के लिए मेरे तो बिल्कुल मन नहीं किया क्योंकि ये जैसे राउंड होके ऊपर से आता है तो ऐसा लगता है जैसे जान निकल गई हो। तो ये बड़ा ही खतरनाक झूला है दोस्तों, इसमें कोई दिल वाले चढ़ सकता है, तो मुझे तो बहुत डर लगता है इस झूले से। ये है दोस्तों मेले का मार्केट, यहाँ से आप जो चाहें वो चीज़ ले सकते हैं, बहुत प्रकार के आइटम हैं, अलग अलग दुकानें लगी हुई है। तो अभी 5वां दिन है इसलिए थोड़ा सा सामान अस्त व्यस्त यहाँ पर है, पूरी दुकानें लगी नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा दुकानें यहाँ पर तैयार हो चुकी है। ये देखिए कुछ दुकानें तैयार हो रही है लेकिन कुछ लग चुकी है, कुछ तैयार हो रही है, इस प्रकार से मतलब ये 2-3 दिन में एकदम बिल्कुल से फुल बुका बुक हो जाएगा ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग सामान की है, बच्चों के खेलने के लिए मतलब चूल्हे का सामान कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए अलग अलग आइटम है, रबड़ के आइटम हैं, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। 10 रुपये की सेल है, 5 रुपये की सेल है, 20 रुपये की सेल है। ये देखिए ये ग्रोकरी का सामान है, तो प्लेटें कप वगैरह ग्रोकरी का सामान आप कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं, मतलब बहुत चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएगी देखने के लिए और बहुत सारी दुकानें हैं अलग अलग। ये देखिए बच्चों के खिलौने हैं, ये टोटल दुकान है वो बच्चों के खिलौनों से भरी पड़ी है, लेकिन कुछ सामान ये लगा रहे हैं, कुछ उन्होंने लगा दिया है। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर खूब इन्जॉय किया, मेले के अंदर बहुत सारा सामान देखा है। ये देखिए संतोष यहाँ पर अपने लिए एक चीपिया ढूंढ रही है और जिसको रास्ता में बोलते हैं मिरकली और इसको हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, वो परचेज कर रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर आ गए हम कप के लिए, कप देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई डिज़ाइन पसंद आया तो हम लेंगे, नहीं तो हम यहाँ से कप भी नहीं लेने वाले हैं। लेकिन मेला खूब इन्जॉय कर रहे हैं हम, बहुत ही मस्त मेला है ये, रावत सर में लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, ये हनुमानगढ़ से करीब 40 किलोमीटर है और ये बीकानेर से है करीब 250 किलोमीटर और गंगानगर से करीब 100 किलोमीटर पड़ता है। तो आप जिस साइड से आना चाहें आ सकते हैं, और सिरसा से करीब ये है 100 किलोमीटर। तो ये देखिए अलग अलग दुकानें लगी हुई है और बहुत ही कमाल का लुक यहाँ पर है, तो आप जिस साइड से भी आना चाहें यहाँ पर आ सकते हैं। ये रावत सर है और डिस्ट्रिक्ट लगता है हनुमानगढ़ और तहसील है रावत सर। तो यहाँ पर बाबा रामदेव का और बाबा खेतरपाल जी का मेला लगता है। यहाँ पर आप मिट्टी के बर्तन ले सकते हैं, लकड़ी के मतलब चीज़ें ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पूरा मेला देख चुके हैं, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा करेंगे नाश्ता, वो भी खाएंगे हम गोलगप्पे। तो यहाँ पर हमने गोलगप्पे थोड़े से खा लिए हैं, 20-20 रुपये के, 60 रुपये यहाँ पर लगा दिए हमने। और ये देखिए दोस्तों अब हमने यहाँ पर घूमते घूमते हमें हो गई है शाम,
तो हमने यहाँ पर करीब करीब 2 से 2.5 घंटे यहाँ पर हम घूमे हैं। तो अभी करीब करीब 6 बज चुके हैं और लाइटें यहाँ पर ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पर आप लाइटों के अंदर नज़ारा देख सकते हैं मेले का, कितना प्यारा नज़ारा है दोस्तों। ये नाइट के अंदर खुला नहीं रहता है, ये करीब 9 बजे के आसपास दुकानें और झूले हैं वो बंद होने स्टार्ट हो जाते हैं और 10 बजे इनका लास्ट होता है। 10 बजे सभी जो मेला है पूरा ये बंद हो जाता है। तो आप ज़्यादा लेट अगर यहाँ आना चाहें तो ना आएं, ये दिन के अंदर ही ज़्यादा चलता है। तो दोस्तों खूब इंजॉय किया आज मेला, पूरा मेला घूम लिए, खूब इंजॉय किया, काफ़ी टाइम लगा दिया हमने, 2-3 घंटे लगा दिए मेले के अंदर, और झूला भी झूले, ट्रेन में भी घूमे। और मैं मेरे लिए कुछ नहीं लेके आया और अमित अपने लिए 2 चीज़ लेके आया है, एक तो ये गाड़ी लेके आया है ये देखिए, और एक ये क्या है बांसुरी लेके आया है, बांसुरी बजा, ये देखो ये बांसुरी लेके आया। और अमित की मम्मा भी कुछ लेके आई है, मिर्कली रास्ता नहीं मिर्कली है, ये चीकिया है, ये मिर्कली घी निकालने के लिए होती है, सिल्वर की है ये, पुराने टाइम के अंदर लोग बहुत यूज करते थे इसको, आजकल तो टाइम बाद मिली है ये मिर्कली मेले में इसको सिर्फ मिर्कली ही मिली आज तो वापस घर पहुंच गए हैं, अभी चाय बन रही है, चाय पियेंगे और फिर थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर खाना खा के सो जाएंगे। दोस्तों कैसा लगा आपको ब्लॉग हमारा, वीडियो लाइक कर देना, हमें कमेंट करके बताना, और अमित बजा रहे अपनी बांसुरी, गुड बाय दोस्तों।